प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चालक तार का ताप बढ़ता है। ताप बढ़ने के कारण प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। और फार्मूला हमारे पास है RT=R01+αT, जहाँ पे RT क्या है, T डिग्री सेल्सियस तापमान पर चालक तार का प्रतिरोध, R0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे चालक तार का क्या है प्रतिरोध, और अल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक। अब हम क्या करेंगे, तार को खींचने पे प्रतिरोध पर प्रभाव, तार को खींचने पर प्रतिरोध पर प्रभाव। तो यदि किसी चालक तार की लंबाई को खींच करके n गुना बढ़ा दिया जाए, यदि किसी चालक तार की लंबाई को खींच कर n गुना बढ़ा दिया जाए तो चालक तार का प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 2, यदि किसी चालक तार को खींचकर उसको 1/n गुना क्या कर दिया जाए, पतला कर दिया जाए, तो चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध n^4 गुना बढ़ जाता है, गुना बढ़ जाता है। अब प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से, एक सरणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। सरणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R=R1+R2+ क्या होता है, Rn होता है, और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का
व्युत्क्रम एक बटे आर इक्वल एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस क्या होता है एक बटे आर एन होता है। तो दोस्तों इसमें जो है रेसिस्टेंस पे सवाल भी पूछे जाते हैं, उसके बाद विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक के बारे में जिसको यूनिट में नापते हैं, और घरों में व्यय ऊर्जा, घरों में व्यय ऊर्जा ये किलोवाट घंटा में नापी जाती है, और एक के डब्ल्यू एच इक्वल एक यूनिट, और इसकी वैल्यू होती है 3.6×10^6 जूल होती है। तो दोस्तों आपको विद्युत चालन और ओम के नियम चैप्टर का वीडियो लिंक अवेलेबल कराया गया। दोस्तों मेरी शुभकामना है कि आप बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर गेन करें। धन्यवाद।